आदाब। पुराने वक्तों में लोग कितने भोले होते थे, कितने नाइव और कितने उनकी तबीयत में सादगी होती थी। इसकी मिसाल है नवाब आसिफुद्दौला बहादुर के ख्वाजा सरा, जिनको मामू भी कहते थे। ख्वाजा सरा थे इल्मास अली खान। इल्मास अली खान को यह शौक़ हुआ कि क्यों ना उनका नाम अमर हो जाए, और इसके लिए उन्होंने एक तरीक़ा जो था वो सोचा ये कि वो मालूम करें कि कुरान शरीफ में उनका नाम है या आ सकता है कि नहीं। ये बात पूरे लखनऊ शहर में जो थी वो मशहूर हुई, और उन्होंने बहुत से लोगों से दरियाफ्त किया, बहुत बड़े बड़े आलिमों से, उलमा हजरात से, कि कुरान शरीफ में उनका नाम है या आ सकता है। सब ने इस बात से इनकार किया कि कुरान शरीफ में आपका नाम नहीं है और ना ही आ सकता है। बेचारे इस बात को सुन के इल्मास अली खान बहुत हिरासा हुए। एक दिन वो अपने महल में बैठे हुए थे कि मालूम हुआ कि एक चौपहले पर एक जनाब तशरीफ लाए। जनाब कहते हैं लखनऊ में बड़े मौलवियों को। अब जो देखा साहब उसमें से चौपहले में से जो जनाब निकले, तो वो एक लंबी उनकी रीशे मुबारक, लंबी दाढ़ी, चेहरा बहुत रोशन, गुलाबी बिल्कुल, सर पे अमामा, अबा कबा पहने हुए, बाकायदा जैसे बड़े जनाब होते हैं, और दो उनके साथ उनके मुलाजिम हाली मबाली। और उन्होंने कहा कि हम अल्मास अली खान से मुलाकात करना चाहते हैं। जब उसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इसका सबब यह है कि उनका नाम कुरान शरीफ में है और उनकी इस जस्तजू जो है वो हम मुतमईन कर देंगे। ये सुनना था कि अल्मास अली खान तो बिल्कुल बदहवास हो गए कि ये कौन आ गया और ये ऐसी कौन सी बात कह रहे हैं, कैसी खबर लाएं कि हमारा नाम कुरान शरीफ में। बहरहाल महल में तमाम जितनी सैंचियाँ थी उसमें उनकी कनीज़ें और बांधें सब पर्दों के पीछे बैठी, और एक खास सैंची में अल्मास अली खान खुद बैठे, सात गज का दुपट्टा ओढ़े हुए, क्योंकि वो थे तो ख्वाजा सरा, औरतों के कपड़े पहनते थे, टीका लगा हुआ और खड़ा पैंचा पहने हुए, और बैठे साहब वो गाँव तकिए से लग के बैठे, और जो मौलाना थे उनके सामने बर्फ़ी का बहुत बड़ा थाल रखा गया, और उसके बाद मालूम हुआ अगरबत्ती रोशन की गई मौलाना और इनके बीच में वो धुआं था बस, और वो पर्दे में बैठे थे अल्मास अली खान। और उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत अंदाज से जैसे कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, और उन्होंने कुरान शरीफ का एक सूरा पढ़ा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और उसके बाद कहा मियाँ अल्मास, मलिकुन नास मियाँ अल्मास, इलाही नास मियाँ अल्मास। अब ये सुनना था कि अल्मास अली खान तो इसकी ताबी नहीं ला पाए कि उनका नाम बार बार कुरान शरीफ में आ रहा है। खैर वो बेहोश हो गया और उन्होंने कहा अरे मुझे संभालो, मेरी ये किस्मत कि मेरा नाम कलाम इलाही है, कुरान शरीफ में आ रहा है। खैर उनको केवड़े गुलाब के पानी का छींटा दिया उनकी बातियों ने, वो होश में आए तो उन्होंने मौलाना को जो था बहुत इनाम इकराम दिए, बहुत से खान थे, अब बताएंगे खान क्या होता है, और वो उनकी खिदमत में पेश किया। मौलाना चौपहले पर बैठे और जवाहरात और हीरे और शर्फियाँ लेके रवाना हो गए। अब मौलाना ये इनाम और इकराम लेके वहाँ से देवड़ी से रवाना ही हो रहे थे कि एक और ख्वाजा सरा जो थे वो मुलाकात करने आए थे अल्मास अली खान से, वो अंदर आए, उन्होंने पूछा कि ये कौन आया था। अरे उन्होंने कहा ये बहुत बड़े जनाब हैं, इन्होंने अभी कुरान शरीफ में हमारा नाम सुनाया है पढ़ के। उन्होंने कहा तुम इसको पहचाने नहीं, ये तो मशहूर भांड शागन का भांड करेला है। उन्होंने कहा हाँ पकड़ो पकड़ो उसको, वो करेला भांड जो था वो ये गया वो गया, कई महीने वो लखनऊ से गायब रहा। अल्मास अली खान ने कहा जब मेरे हाथ आ जाएगा तो नवाब से कह के हाथी से इस भांड को मैं कुचलवाऊंगी। इस किस्से को बयान करने का मकसद माजअल्लाह तौबा तौबा खाक बदान कुरान मजीद की कोई तौहीन नहीं था, बल्कि इस किस्से को आगा मेहरी साहब ने अपनी किताब तारीख लखनऊ में भी दर्ज किया है। जब रेडियो नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मैसेजिंग नहीं थी, तो आखिर आम लोगों तक बात पहुंचती कैसे थी। उस वक्त के भी जो कलाकार होंगे, जो उस वक्त के फ़नकार शोहरा होंगे, उनकी ख्वाहिश तो होती होगी कि उनकी बात और उनका कलाम जो है आम लोगों तक पहुंचे। तो उसका एक ज़रिया था कि फ़कीर जो थे वो हाथ में लोहे की चूड़ियाँ पहने हुए अब भी आपको लखनऊ में मिलेंगे, और वो छन छन उसको बजाते थे, एक लकड़ी से छोटा सा डंडा होता था उससे उसको बजाते थे, और गज़लें नज़में गाते थे। अब भी आते हैं मुहर्रम में, वो नौहे मरसिए पढ़ते हैं, और रमज़ान में जब सुबह आते हैं जगाने के लिए तो नात वगैरह पढ़ते हैं। इसी तरह के फ़कीर नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने में भी घुमा करते थे गलियों में, और ये जो थे ये तमाम शोहरा की गज़लें गाया करते थे। अल्मास अली खान क्योंकि बिल्कुल पढ़े लिखे थे नहीं, अलिफ बे भी नहीं वो पहचानते थे, लेकिन उनको शौक़ बहुत था कि जिस चीज़ का भी ताल्लुक और सिलसिला अगर उन नवाब आसिफुद्दौला बहादुर से हो जाए तो उस पर वो गिरविदा हो जाते थे, उस पर जान देने के लिए आमादा हो जाते थे। तो फ़कीरों ने ये सोचा कि क्यों ना ये कहा जाए कि बहुत सी गज़लें जो बड़ी मकबूल गज़लें हैं
वो ये कह दिया जाए अलमा से लिखा कि ड्योड़ी पर कि नवाब आसिफ उद्दौला का कलाम है, नवाब आसिफ उद्दौला का कलाम होता भी था, लेकिन बहुत सी गजलें ऐसी थी कि जिसमें मख्ता नहीं होता था। मख्ता वो होता कि जो शायर आखिर में आखिरी शेर में अपना नाम भी लेता है। अलमास अली खान से उसने कहा कि साहब ये तो आसिफ उद्दौला का कलाम है, उन्हीं ने फौरन एक खुश नवीस को बुलवाया और कहा इसको लिख लो, और इस तरह से उन्हीं ने बहुत सी गजलें जमा कर ली और उसका एक जो था वो किताबचा बन गया, कई हैं उसके, वो सब कलमी हैं, हाथ से लिखे हुए हैं। 1857 में जब लखनऊ लुटा तो उसमें कुतुब खाने भी लुटे, लेकिन अंग्रेज़ों की एक समझदारी थी, उन लोगों में आर्ट अप्रिसिएशन ज़बरदस्त था, उन्होंने कुतुब खानों को जलाया नहीं, जबकि महलों में आग लगाई गई, यानी जो जवाहरात और सानी और चांदी सोने का जो काम था कैसर बाग में अपहोल्स्ट्री पर पर्दों पर, उस सबको जला के उन्होंने उसमें से चांदी और सोना निकाल लिया था, लेकिन कुतुबखाने की लाइब्रेरी की जो किताबें थी वो अंग्रेज़ अपने साथ ले गए। उसमें से बहुत सी ब्रिटिश म्यूजियम में भी हैं, अंग्रेज़ों के पास हैं, और बहुत सी जो है उसमें कई जो इस तरह के किताबचे हैं नवाब आसिफ उद्दौला के नाम से, जो उनका कलाम कहा जाता है, उनका दीवान वो हैदराबाद में भी है और सुनते हैं खुदा बख्श लाइब्रेरी में भी है। खुदा बख्श लाइब्रेरी तो आप हजरात जानते ही हैं, पटना में है, वहाँ बहुत सी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हिंदुस्तान की कि बल्कि दुनिया की एक जानी मानी लाइब्रेरी है पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी। अब जब ये हुआ कि नवल किशोर प्रेस आया और उर्दू में चीज़ें छपना शुरू हुई तो बहुत से शोरा हजरात का जो था वो कलाम छापा गया, तो उसमें से बहुत सी गजलें वो हैं कि जो अलमास अली खां का जो मजमुआ है आसिफ उद्दौला बहादुर के दीवान के तौर पर, उसमें और इनमें कॉमन है। अब जो ये बाद में किताब छपी तो मालूम हुआ उसमें मख्ता भी है, जबकि आसिफ उद्दौला साहब के उस कलाम में बहुत सी गजलों में मख्ता नहीं है, क्योंकि वो कलाम आसिफ उद्दौला बहादुर का था ही नहीं, उनके हमअस्र लोगों का था। लिहाजा अलमास अली खां का भोलपन था कि उन्होंने ये जान के उन फ़कीरों को खूब इनाम दिया और उस कलाम को नवाब आसिफ उद्दौला बहादुर के दीवान के तौर पर कलमबंद किया। अभी हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था खान, इस खान के माने मलियावादी पठान खान या सलमान खान शाहरुख खान नहीं है, बल्कि खान लकड़ी की एक बहुत बड़ी ट्रे होती है गोल, जिसमें प्लेट्स रखी जाती हैं और मजदूर उसको सर पे रख के ले जाते हैं, कहते हैं उनके यहाँ खान उतर रहे हैं, मतलब खान आए हैं, किसी के यहाँ से तोहफे आए हैं, ये कहावत भी है कि खान उतर रहे हैं, इसको कहते हैं खान। लखनऊ में शादियों में अब भी दिए जाते हैं और हर घर में, पुराने घर में आपको दो चार खान और कश्तियाँ, कश्ती कहते हैं जो रेक्टेंगुलर लकड़ी की बड़ी बड़ी कश्तियाँ होती हैं, यानी ट्रेज होती हैं, और उसमें प्लेट्स रख के सामान दिया जाता है। एक लफ्ज़ हमने और इस्तेमाल किया था, वो था चौपहला, जिसपे वो जनाब अलमास अली खां की ड्योड़ी पर आए थे। चौपहला डोली की ही एक किस्म है। चौपहला एक छोटा सा खटोला नुमा चीज़ होती है जिसके ऊपर एक बांस बांध दिया जाता है रस्सियों से चारों कोनों से उसमें लटका के, और उसको कहार लेके चलते हैं और उस पर पर्दा डाल दिया जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा होती है डोली, डोली लकड़ी की पूरी एक बनी हुई होती है, छोटा सा रूम सा होता है जिसके अंदर दो लोग बैठ सकते हैं, इसको डोली कहते हैं, उसको भी कहार लेके चलते हैं। एक बार फिनस होती थी, फिनस वो होती थी जिसमें चार लोग बैठ सकते थे और फिनस में दरवाजे भी होते थे जिनको आप बंद कर सकते थे। फिनस के नाम से तो फिनस वाली गली है लखनऊ में, राजा की बाजार से जब आप इधर बजाजे के लिए आते हैं तो फिनस वाली एक गली है, शायद वहाँ फिनसें रखी जाती होंगी या वहाँ बनती होंगी, उनकी मरम्मत होती होगी, फिनसों की लिहाजा और फिनस वाली गली ही कहलाती है। जिस तरह आज इलाकों में महलों में ऑटो स्टैंड होते हैं, टैक्सी स्टैंड होते हैं, रिक्शा स्टैंड होते हैं, इसी तरह से यानी ये बात 1960 तक होगा कि लखनऊ के महलों में कहारों की एक सहनची हुआ करती थी हर महल्ले में, जहाँ उनके पास डोली और फिनस होती थी और उनको बुक कर लेते थे, शाम को बता दिया कि फलां जगह सुबह जाना, वक्त मुअय्यन पर आ जाते थे। इसी तरह से एक डोली हमारी दादी आलिया बेगम साहिबा के लिए बुक की गई, और वो यूँ कि हमारे चचा की शादी थी, आज़ादी के पहले की बात है शायद या उसके बाद की बात है, हाँ 1952 तो आज़ादी के बाद का किस्सा है। तो उनकी शादी के लिए उस ज़माने में बुलावा देने लोग जाते थे, जिसको टकसाली ज़बान में बुलावा कहते हैं, तो अपने मैके वजीरगंज में अपने घरों में जा रही थी बुलावे के लिए, तो काढ़ू कहार थे हमारे महल्ले की फाटक पर, उनकी सहनची थी, उनकी डोली में बैठ के गई वो। अब वो एक घर में गई, दूसरे घर में गई, लाडले साहब के यहाँ गई, जब वो तब्बू साहब के यहाँ पहुँची, यानी ये जो आमिर रज़ा हुसैन मरहूम अभी हुए हैं उनके दादा के यहाँ,
अभी वहां पहुंची तो उससे पहले ही रास्ते में कहार बातें करने लगे। अब वो अवधि में बोल रहे थे लेकिन की समझ में आ रहा था कि भाई सदर में मेजर साहब ने बुलाया और अगर 11 बजे नहीं पहुंचे तो भैया गोली मारी जाएगी और नौकरी भी जाएगी। तो पीछे वाले ने कहा कि हाँ हाँ अब क्या किया जाए, चाहे जान जाए चाहे नौकरी जाए, मगर ये तो लदी लदी घूमे, यानी बेगम साहब जो डोली के अंदर बैठी थी उनको कह रहा था, ये सुनना था कि हमारी दादी को इस कदर हंसी आई। अब जब वो उतरी तब्बू साहब के तो खुलकुल खुलकुल हंसती, दादी हमारी हंसती वगैरह नहीं थी, बहुत बहुत बुरदबार बहुत ही संजीदा शख्सियत थी उनकी, खान बहादुर साहब की इकलौती बहन थी वो। खैर अब वो जो गई तो उनकी जो वहाँ दोस्त थी उन्होंने कहा आलिया बेगम तुम्हें क्या हो गया, इस कदर क्यों हंसी आ रही है तुम्हें, क्या जाफरान का खेत देख लिया। ये एक कहावत है, ये लखनऊ में बहुत कही जाती है, जो लोग बहुत हंसते हैं किसी बात पे तो कहते हैं क्या जाफरान का खेत देख लिया। उन्होंने किस्सा सुनाया कि कमबख्त कहार ये कह रहे थे कि ये तो लदी लदी घूमे, उन्होंने कहा दफा करो इनको हम तुम्हें नए कहार देंगे। उन कहारों को पैसे लेके वहां से रवाना किया गया। फिर वो शाम को इत्मीनान से नई डोली में वजीरगंज से बैठ कर आई। चौपहला डोली फिनस, ये तो आपने समझ लिया। एक चीज होती है सुखपाल, सुखपाल क्या होता है, जैसे हाथी का, हाथी का हौदा होता है उसमें सवारी बैठती है, उसको कंधों पर उठाया जाता है। डोली फिनस चौपहले में ये होता है कि कहार उठाते तो हैं अपने कंधे पर, लेकिन वो चीज जिस पर उठाया जाता है वो नीचे होती है, पेंडुलम की तरह से चौपहले में या पूरी डोली नीचे होती है और कहार उसको उठाते हैं। सुखपाल में ये होता है कि कंधे के ऊपर पूरी चीज होती है, बिल्कुल जैसे हाथी का हौदा होता है। इसमें पुराने जमाने में जो रईस थे वो इसमें जाते थे, या जहाँ हाथी नहीं जा पाता होगा वहां पर इसमें बिठा के लोगों को ले जाया जाता था। सुखपाल में कभी कभी उसके दो हिस्से होते थे, पीछे कोई कनीज या बांधी या कोई गुलाम बैठ गया, पीछे से पंखा झल रहा है जो सवारी है आगे उसको। और डोलियों में इस बात का ख्याल रखा जाता था, जब चौक से गुजरती थी डोलियां तो बेगमात के लिए ताकीद थी कि इत्र लगा के ना जाइएगा, वरना मनचले बहुत घूमते थे। अब वो अपना घोड़ा साथ में लगा लिया और पपतियाँ कस रहे हैं, वो समझते थे कि कोई तवायफ जा रही है, लेकिन पहचान ये होती थी कि तवायफों की डोली के साथ उनके जो बांके होते थे वो खुले हथियार साथ में लिए होते तो लोग समझ जाते थे, दाएं बाएं हो जाते थे। और बेगमात के लिए दो सवार या एक सवार साथ में, और वो खास वर्दियाँ होती थी जो शुरफा के महलों की होती थी, नौकरों की या मुलाजमीन की, वो पहने होते थे तो लोग समझ जाते थे कि कोई बेगम साहब जा रही हैं, उन डोलियों को कोई छेड़ता नहीं था। उम्मीद है हमेशा की तरह आज का भी एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपने तासुरात और कमेंट्स से हमें ज़रूर नवाजें ताकि उसी के हिसाब से हम अपने अगले एपिसोड्स को तरतीब करें। अपने इस चैनल कल्चर बाज़ार जो आपका अपना चैनल है, इसको आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें और उनसे इसको सब्सक्राइब भी करवाएं। बेहतर होगा कि आप यूट्यूब पर देखा करें, और हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली मर्तबा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, आदाब।